हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जेके 247। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी क्लास फोर्थ जेके एसएसबी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स आपके कर लिए थे, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपका थर्ड टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑन एजिस। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ दैट दिस ये जो आपका टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आपका बेस्ड जो है, ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। क्लियर? तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ आज 10 questions, तो हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। ये 10 question करने के बाद आपका कोई भी ऐसा पैटर्न पीछे नहीं बचेगा जिसमें से आपको पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज, हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज सेइंग सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years एंड देयर एजिस आर इन द रेशियो 7:9। हाउ ओल्ड इज सचिन? तो आपने बताना है कि सचिन की जो प्रेजेंट इस टाइम पे एज है वो कितनी है। तो इसको मैं आपको दोनों तरीके से करना बता देता हूँ, बेसिक और रेशियो मेथड से। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए कंडीशन कह रही है सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years। तो मान लो सचिन की एज मैं एस मान लेता हूँ, राहुल की मान लेता हूँ आर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन जो है वो राहुल से कितना छोटा है, 4 साल। तो सचिन की एज में से अगर मैं राहुल की एज को माइनस करूंगा तो उनका डिफरेंस आएगा 4 ईयर का। क्लियर? तो उनकी एज की जो रेशियो है वो है 7:9। तो इसी हिसाब से जो सचिन की एज बनेगी वो बनेगी 7x और राहुल की एज बनेगी आपकी 9x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 4। तो कैसे लिखेंगे, 9x - 7x = 4। यहाँ से आपका 2x = 4, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अभी ये आंसर नहीं आया, पूछा क्या है कि हाउ ओल्ड इज सचिन। तो सचिन की एज की रेशियो कितनी है, यहाँ पे 7 है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2। सचिन की एज कितनी थी, 7x। तो उसकी एज टोटल बनेगी कितनी, 7 × 2 = 14 years। क्लियर? तो ये बेसिक तरीके से ऐसे करते हैं इसको। रेशियो मैथड से देखते हैं हम लोग, रेशियो मैथड से कैसे करेंगे, रेशियो देखो कितनी दी है, 7:9, और उनका डिफरेंस ही तो दिया है ये, उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 4 साल। तो आपको पता है रेशियो में कैसे, रेशियो में कितना डिफरेंस, 2 का। तो 2 का मतलब कितना दिया है, 4, 1 का मतलब 4/2 यानी कि 2। और आपको बताना क्या है, जिसकी 7 एज है वो उसकी कितनी एज बनेगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 × 7 = 14। क्लियर? ये दोनों मेथड से मैंने आपको सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप उससे कर सकते हो। तो ऐसे करते हैं बेसिक आपके एजिस के क्वेश्चन। क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 2। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजिस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। सो दो बच्चे बंदे हैं यहाँ पे, अरुण एंड दीपक, उनकी रेशियो कितनी दी है, 4:3। क्लियर? आफ्टर 6 years अरुण एज विल बी 26 years। वो कह रहा है 6 साल के बाद अरुण की एज कितनी हो जाएगी, 26 years। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। आप सीधे सोचिए कि 6 साल के बाद अरुण की एज कितनी होगी, 26। तो अभी एट प्रेजेंट कितनी होगी बता सकते हैं? अगर मान लो 6 साल के बाद आपकी एज 26 होनी है, तो आज कितनी होगी, 26 में से 6 माइनस करेंगे तो पता चल सकता है आराम से। तो कितनी बनेगी, 26 - 6 करेंगे, ये किसकी है, बेसिकली अरुण की। क्लियर? तो अरुण की प्रेजेंट एज कितनी बन गई, 20 years। इजी सा है। तो अब देखो रेशियो में, देखो 4:3 है, रेशियो में उसकी एज कितनी है, 4 यूनिट। एग्जैक्ट में कितनी आ रही है, 20। तो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 years। 1 की वैल्यू 5। पूछा क्या है, दीपक्स एज एट प्रेजेंट अभी, तो ये उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो है। दीपक की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। तो 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 3 दैट इज 15। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये समझ आ गया हो गया। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली। 3 years हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजिस विल बिकम 11:9 years।
सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद, तो ये हमने फाइंड करनी है कि आनंद की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखते हैं इसको, पहले मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ, जो आपका बेसिक तरीका है सबसे पहले मैं उससे बात करूँगा, क्लियर, ये जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो ये प्रेजेंट एज है, हमेशा जो लेट करनी है आपने वो प्रेजेंट एज ही लेट करनी है। तो कितनी होगी इसकी, 5x और इसकी 4x। ये बात तो आसान सी है, सबको समझ आ गई होगी। ये समीर की एज है और ये आनंद की एज है, उसने कहा 3 साल के बाद। तो देखो 3 साल के बाद इसकी एज कितनी, 3 साल ऐड हो गई होगी, इसकी भी कितनी हो गई होगी, 3 साल ऐड हो गए होंगे इसमें। उसके बाद उसकी रेशियो क्या आ रही है, 11:9। इक्वेशन मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी, आसान सी चीज़ है ये। तो आपने यहाँ से क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट एज आनंद की मानी कितनी हमने, 4x, तो वो आपका राइट आंसर होगा। ये आसान चीज़ है, बड़ी देर से हम पढ़ते आ रहे, रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था, तो ये आप खुद सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे कि इससे क्या आंसर आता है। मैं आपको सिखाऊंगा अभी शॉर्टकट यूजिंग रेशियो मेथड, क्लियर। तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना है, देखो प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी दे रखी है, समीर और आनंद की 5:4, क्लियर। तो अब उसकी 3 साल के बाद की रेशियो कितनी बताई है उसने, 11:9, क्लियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ध्यान से समझना, देखो कितने साल बाद की ये रेशियो है, 3 साल के बाद। तो कहने का मतलब जितना समीर की एज ऐड हुई है उतनी ही आनंद की ऐड हुई होगी, जो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा वो बराबर हुआ होना चाहिए, क्लियर। क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद की बात हो रही है। तो इसको बराबर करते कैसे, देखो बराबर है, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 4 गए 5, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करते कैसे हैं समझना, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होना है, अल्टरनेट आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, 11 में से 9 गए 2, तो ये वैल्यू रेशियो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और इसमें से गया तो ये 1, 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो फाइनल रेशियो जो आपके पास बनेगी, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 11 1 ज़ा 11, 11 9 1 ज़ा 9, क्लियर। तो अब देखो ये डिफरेंस बराबर आ गया, 10 से 1 ज़्यादा है, 8 से 1 ज़्यादा 9 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अब बराबर हो गया, ये कितना आ रहा है, 1 यूनिट। बात को ध्यान से समझना, कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू एग्जैक्ट में कितने साल बाद की बात हो रही थी, 3 साल बाद की। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 साल। बात समझ आई, तो आनंद की प्रेजेंट एज अब आपने कौन सी लेनी है, ये वाली। क्यों, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट रेशियो है जिससे हमने डिफरेंस का पता लगाया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकल सकती है, 3 मल्टीप्लाई 8, वैल्यू कितनी आएगी, 24 ईयर। बात समझ आई, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, 24। तो ये जो है ना, ये शॉर्टकट समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको समझना, प्रैक्टिस करना, फिर आपको ये पता चल जाएगा, और ये ज़रूर करना बेसिक तरीके से, क्लियर। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग हितेश इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रोने इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:5। तो इजी सा क्वेश्चन है, एज उसने पहले बता दी हुई है आपको। तो मान लेते हैं एक्स साल पहले जो है वो ये रेशियो उनकी एजिस की थी, तो 40 में से एक्स गया, 60 में से एक्स को माइनस करेंगे, इसकी रेशियो उसने बोला है कितनी होनी चाहिए, 3:5। आई होप आपको ये इजी सी चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ से आपने करना क्या है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 200 - 5x इज इक्वल टू 60 को 3 से करोगे तो ये बनेगा आपका 180 और -3x, क्लियर। तो ये लेके जाओगे इस साइड, ये आएगा 180 - 3x, प्लस का हो जाएगा ये 5x, यहाँ से 2x, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ से, 10, क्लियर। तो यही आपने बताना था कितने साल पहले, तो 10 साल पहले उनकी एज की रेशियो क्या थी, 3:5। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज सेइंग टोटल एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93 ईयर्स। तो 3 लोग हैं, जयंत है, प्रेम है और सारांश है, इनकी एज का, प्रेजेंट एज का सम कितना है, 93। उसने कहा 10 साल पहले उनकी जो रेशियो थी एजिस की वो थी 2:3:4, 2:3:4। तो ये कब की थी, 10 साल पहले की। तो मान लो अभी उनकी प्रेजेंट एज है 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो की रेशियो उसने बोली है कितनी है, 2:3 एंड
क्लियर, ये 10 साल पहले की है, तो 10 साल पहले की रेशियो के हिसाब से इनकी एज मानेंगे तो ये बनेगी, ये कौन सी बनेगी, 10 साल पहले की, बात को समझना। और अभी अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो वो कितनी बनेगी, 10 साल पहले इतनी थी तो प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड होंगे, इसमें भी ऐड होंगे और इसमें भी ऐड होंगे, बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने। 10 साल पहले ये रेशियो था तो हमने 10 साल पहले की एज मान ली, 2x, 3x और 4x, क्योंकि हम मानते हैं ऐसे। 10 साल बाद इसकी एज इतनी हो गई होगी, इसकी इतनी और इसकी इतनी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी उनकी एज का सम कितना है, 93, तो ये उनकी प्रेजेंट एज है, इनका सम कितना बता दिया उसने, 93। क्लियर, तो यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, अब लिखोगे 9x प्लस 10 10 10, कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 93। दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 93 में से आप 30 को माइनस करोगे, ये कितना आएगा 63, 9x की वैल्यू 63, x की वैल्यू 63 बाय 9, 7 से कटेगा, ये 7 आएगा x की वैल्यू। अब पूछा क्या है उसने, सारांश, क्लियर, सारांश की एज, तो सारांश की एज कौन सी पूछी है, प्रेजेंट एज, बात को ध्यान से समझना। तो प्रेजेंट एज ये है, सारांश की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, 4x प्लस 10, क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, 4x प्लस 10 है तो x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 10, ये कितना बनेगा, 28 प्लस 10 इज इक्वल टू 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 38 ईयर्स, बात को बड़े ध्यान से समझना। बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप x की वैल्यू निकालने के बाद आप ऐसा ना हो कि आंसर 4x लगा दें, आपको बड़े ध्यान से समझना है। उसने यहाँ पूछा है प्रेजेंट एज, तो हमने ये प्रेजेंट एज उसकी लेट की थी, इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 38। आप देखो 4x के हिसाब से भी आंसर कई बार ऑप्शन में वो दे देता है और गलती करवा लेता है। आई होप ये समझ आ गया होगा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन इज सेइंग द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ इंदिरा एंड लिजी इज 3:8। तो प्रेजेंट एज की रेशियो शॉर्टकट मेथड से ले लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंदिरा है और लिजी है, इनकी प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है 3:8, क्लियर। 8 साल के बाद इंदिरा की एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 8 साल के बाद इंदिरा की एज कितनी होगी, 20 ईयर्स, तो इंदिरा की एज जो है वो 8 साल के बाद अगर होगी 20 साल, तो अभी कितनी होगी बता सकते हैं आराम से, 12 ईयर्स, क्लियर, सिंपल सी बात है। तो इंदिरा की हमें प्रेजेंट एज पता चल गई 12 ईयर्स, पूछा क्या है लीजी की एज 5 साल पहले कितनी थी, तो अभी इसकी कितनी है 3, रेशियो में कितना है, सॉरी रेशियो में है 3, एग्जैक्ट में कितना है 12, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये जो मैं यूनिट की वैल्यू लिखता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट है गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लेगा इसकी और आपको समझ आराम से आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अब, 4। इसी हिसाब से लीजी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 8 यूनिट है, तो 8 × 4 कितना होगा आपका, 32 ईयर्स। बट ये उसने नहीं पूछा है प्रेजेंट एज, उसने पूछा लीजी की एज 5 साल पहले कितनी थी, तो अभी अगर 32 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी थी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आया, 27 ईयर्स, क्लियर। तो आपने क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से ही सॉल्व करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज सेइंग द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मीना एंड सीमा इज 3 ईयर्स एंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेस इज 7:8, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, कई बार ये चीज़ वर्क कर जाती है, बात को बड़े ध्यान से समझना। जैसे उसने पूछा है, पूछा क्या है, उनका सम पूछा है एजेस का, तो रेशियो में देखो उसका सम कितना है, 8 और 7 15, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका आंसर आएगा ना सम का, वो एटलीस्ट 15 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, बात को बड़े ध्यान से समझना। 15 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, वही आपका राइट आंसर हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करोगे और उसके बाद आप देख लो यहाँ पे 15 के मल्टीपल टेबल में आने वाला सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज़ 45 ईयर्स, और आपका यही राइट आंसर बनेगा। तो ये ट्रिक लगा के भी आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हो, क्लियर। तो आपने बेसिक तरीके से सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग द प्रेजेंट एजेस ऑफ विशाल एंड शेखर आर इन द रेशियो 14:17 रिस्पेक्टिवली
सिक्स ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो छः साल के बाद उनकी रेशियो क्या बनेगी, 17:20, व्हाट इज़ द शेखर्स प्रेजेंट एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो दिस इज विशाल, दिस इज शेखर, क्लियर। तो उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो उसने बोला कितनी है, 14 और 17, छः साल के बाद। तो कितने साल के बाद की बात कर रहा है, छः साल के बाद कितनी बनेगी, 17 और ये बनेगी 20। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था थर्ड क्वेश्चन में, कि जो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है 14 से 17, 17 से 20, यस 3 का डिफरेंस आ रहा है, अरे दोनों साइड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे लिखेंगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6। कैसे लिखा, देखो रेशियो में 3 बढ़ रहा है, एग्जैक्ट में कितने साल बोला है उसने, 6 साल, तो 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2। अब पूछा क्या है, शेखर की प्रेजेंट एज पूछी है, शेखर की प्रेजेंट एज है कितनी, 17 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 17 × 2, दैट इज 34 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। आई होप ये समझ आ गया होगा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ भक्ति एंड नेल आर इन द रेशियो 8:7 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 19:17, व्हाट इज डिफरेंस इन देयर एजेस। तो आपने बताना है इस टाइम उनकी एज का डिफरेंस कितना है, कितना है। भक्ति और नेल की अभी की रेशियो देखो कितनी है भाई, सेम क्वेश्चन है, भक्ति दिस इज नेल 8 एंड दिस इज 7, ये क्या है उनकी प्रेजेंट एज है, 6 साल के बाद की बात हो रही है, यस कोई बात नहीं, 6 साल के बाद उनकी जो रेशियो है वो कितनी बन रही है, 19 और 17, क्लियर 19 और 17। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 11 का, और यहाँ पे कितने का है, 10 का। तो बराबर नहीं है, बराबर करने पड़ेंगे, मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं, जो इनका डिफरेंस होगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और जो इनका डिफरेंस है उनको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे वाले की जो डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर के डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बात को बड़े ध्यान से समझना है, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 का, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 से, और 19 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का डिफरेंस 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये कितना बनेगा 16, और ये बनेगा आपका 7×2=14, ये कितना बनेगा 19 और ये बनेगा 17। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया, कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का, यहाँ भी 3 यूनिट, तो एग्जैक्ट में कितना बोला था उसने, 6 साल के बाद, तो हम लिख सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 2 ईयर्स, क्लियर। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2 साल, क्लियर। तो पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है उनकी एज का। तो अब देखो इनिशियल ये एज बनी है उनकी, जो इनिशियल रेशियो है एजिस की ये, क्योंकि इसी से हमने कंपैरिजन किया है। देख यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 16 में से 14 के 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 यानी कि 4 ईयर्स, क्लियर। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप उठा लिया, इसका आंसर क्या होगा, 4 ईयर्स। बात फिर से समझाता हूँ, अगर आपको ये पता करना हो कि अभी प्रेजेंट में उनकी एजिस है क्या, तो देखो 16 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इस हिसाब से भक्ति की जो एज आएगी वो आएगी 16 × 2, दैट इज 32, और नेल की एज कितनी आएगी, कितने यूनिट है, 14, तो 14 × 2, दैट इज 28। तो यहाँ से भी अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे इनका, तो कितना आएगा, 4 ईयर्स, क्लियर। तो ये आपका एक मेथड है रेशियो का, इसको 2-3 बार देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सेइंग द प्रेजेंट सम ऑफ, सॉरी ये प्रेजेंट काट देना यहाँ से, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 60 ईयर्स, 5 ईयर्स हैंस देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 3:4, फाइंड द पीज प्रेजेंट एज। तो उसने क्या बोला, पी और क्यू की जो अभी प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है, 60 ईयर्स, 5 साल के बाद उनकी रेशियो क्या बनेगी, 3:4, क्लियर। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 साल बाद की ही रेशियो मान लेते हैं, 5 साल बाद के रेशियो क्या है उनकी, 3:4, तो उनकी अगर एज मानेंगे एग्जैक्ट में 5 साल के बाद ही मान रहे हैं, ध्यान से समझना, कितनी बनेगी, 3x और 4x। तो ये अगर 5 साल बाद की ये है तो प्रेजेंट में उनकी एज कितनी मानेंगे, 3x-5, और ये कितनी मानेंगे, 4x-6,
फाइव, तो प्रेजेंट एज हमने ये लेट करी हुई है यहाँ पे, क्लियर। इसका सम उसने कितना बताया है आपको, कितना है 60 ईयर्स। बात को समझ आ गई, प्रेजेंट एज की हमने कैलकुलेट कर ली रेशियो से और ये कितना आ गया 60। तो करो सॉल्व करेंगे इसको, 4 और 3 7 7x-10 इज इक्वल टू 60। यहाँ से आपका कंक्लूजन मिलेगा 7x इज इक्वल टू 60+10 70 आएगा ये 7x की वैल्यू। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यूनिट्स, x की वैल्यू 10 यूनिट्स। अब पूछा क्या है, p की प्रेजेंट एज पूछी है, तो ध्यान से समझना, ये p की एज जो है ये 5 साल बाद की है, ये उसकी क्या है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे उसकी, 3x-5 है उसकी प्रेजेंट एज, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो ये कितना बनेगा आपका 30 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 25। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर। तो अभी आपने करना क्या है, पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने दो आपको बोला है सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में वो लिखने हैं। किसी तरह का भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपने क्वेरी है, तो आप मेरे से लिंक कर सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप का एक मेरा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उस पर लिंक कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक बना चैनल बनाया हो उस पर लिंक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कोई क्वालिटी की एजुकेशन आपको दे रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। तो अभी जो सीरीज़ आपकी चल रही है मेरे पास, वो चल रही है एक तो क्लास फोर्थ की, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है क्लास फोर्थ का मैं कम्प्लीट आपको करवाऊँगा। मैथ्स ख़त्म होते ही आपका रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और साइंस की वीडियोस आपको 2-3 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जेके बैंक की अलग से मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ पीओ क्लर्क के लिए, तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हो आप उनके साथ ये शेयर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।